ओसाका, जहाँ पर जापान के कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल कल्चर्स और सभी चीज़ों को आप बड़े आराम से बड़े ही साथ साथ देख सकते हैं। जैसे कि आज मैं आया हूँ ओसाका जो कोएन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग्स का व्यू, जैसे कि माउंटेन और सी का साथ साथ व्यू, और मेरे पीछे शायद पेड़ के पीछे छुप गया है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ओसाका जो कोएन, ओसाका जो कोएन का मतलब होता है पार्क और जो का मतलब होता है किला कैसल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी का टूर करने वाले हैं। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, चलिए शुरू करते हैं। ओसाका जो कोएन जो कि फेमस है टूरिस्ट अट्रैक्शन में, सबसे नंबर वन पर आता है ये, सबसे ज़्यादा इसको सुंदर और कंफर्टेबल माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही वाइड एरिया है। यहाँ पर टूरिस्ट अलग अलग देशों से आते हैं और अलग अलग देशों के लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर साकुरा इतना अच्छा खिला हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया था कि ये जो अप्रैल का मंथ होता है इसमें साकुरा का बहुत ही अच्छा, ये पीछे साकुरा जो कोएन आप देख सकते हैं, तो मैं बता रहा था कि साकुरा जो है एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। इसका कितना भी वीडियो बनाया जाए उतना अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ओसाका जो कोएन के सभी प्लेसेस को अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगल्स से दिखाने की। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि कंटेम्प्रेरी व्यूज़ के साथ साथ ट्रेडिशनल व्यू भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पीछे किमोनो पहन के लोग हैं और वेस्टर्न ड्रेसेस में भी, ऑब्वियसली मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस में ही ज़्यादातर जापानीज़ घूमते हैं, लेकिन क्यों इन्होंने इस टाइम किमोनो पहनी हुई है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल प्लेस है जो हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल दोनों वैल्यूज़ रखता है। लोग यहाँ पर सिर्फ घूमने ही नहीं, सिर्फ साकुरा को एंजॉय करने ही नहीं, इनफैक्ट ट्रेडिशन को, हिस्ट्री को और अच्छी तरह समझने आते हैं। और ओसाका जो एक ऐसी जगह है जो हर ओसाका में रहने वाले व्यक्ति को, हर ओसाका में रहने वाले जापनीज़ को बहुत ही प्यारी है। अगर आप किसी जापनीज़ के साथ हैं और आप ओसाका घूमने जा रहे हैं तो वो ज़रूर आपको ओसाका जो कोएन ज़रूर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप जापान के कल्चर को सीखने आए हैं, जापान के ट्रेडिशन को सीखने आए हैं, तो यहाँ पर आपको वो दोनों चीज़ें साथ साथ मिल सकती हैं। जहाँ जहाँ तक व्यू जाता है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही मेस्मराइजिंग आपको व्यू देता है। और ओसाका में खाली ट्रेडिशन ही नहीं, आपको कंटेम्प्रेरी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओसाका जो कोएन जो है ये बहुत ही पास पहुंच गए हम एंट्री के, और इसके अंदर एंट्री करने के बाद ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। ऊपर से व्यू जैसे कि अगर आप देखें पीछे जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स के पीछे ओसाका डोम है, ओसाका डोम तक का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। सारे पार्क में, पूरे कोएन में, जिस जहाँ जहाँ से एंट्रीज हैं, जहाँ जहाँ से पाथ बनाया हुआ है, उसके साथ साथ झील जाती है। जैसे कि ये झील है जिसमें बोटिंग होती है, और बोटिंग के थ्रू सारा पूरे कैसल को चारों तरफ से दिखाया जाता है, तो टॉप फ्लोर से वो भी व्यू बहुत बहुत अच्छा दिखता है। फिलहाल आज तो हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बस ये 15 मिनट में बंद होने वाला है, बट मेरी पूरी कोशिश है आगे भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको ओसाका के और ओसाका के आसपास के जापान के और भी अच्छे अच्छे व्यूज़, और भी अच्छी अच्छी सीनरीज दिखाऊंगा। यहाँ पर आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे एक बोट जा रही है जो कि पूरे ओसाका जो कोएन को आपको दिखाती है। और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज को, एक बहुत ही कल्चरल ट्रेडिशनल लैंग्वेज को किस तरह से बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो अनाउंसमेंट होती है वो आपको अलग अलग तरह से ओसाका जो, या फिर ओसाका की हिस्ट्री के बारे में बताती रहती है। ये भी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो जो N1 N2 तक पहुँच चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो लोग रिलेट कर पाते हैं कि अब हम जापनीज़ लैंग्वेज को एज इट इज़ समझ पा रहे हैं, एज इट इज़ उसको एन्जॉय कर पा रहे हैं। ये मैं कहूँगा कि जो लोग जापान आना चाहते हैं या फिर जापान आ चुके हैं, वो लोग लैंग्वेज के साथ साथ ही जापान के कल्चर और मतलब जापान में रहने को लैंग्वेज के तौर पे ही करिए। क्यों? क्योंकि मतलब लैंग्वेज को साथ रख के करिए, क्योंकि अगर आपका टारगेट लैंग्वेज नहीं है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर लैंग्वेज के साथ आप जापान में रहते हैं और यहाँ पर घूमते फिरते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आप जापान को बहुत बहुत इन्जॉय कर सकते हैं, और अच्छी तरह से समझने के बाद आप इससे बहुत सारे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। तो इवेंचुअली बात है सारी जापानीज़ लैंग्वेज को एक हायर लेवल तक समझने की, एक अच्छे लेवल तक समझने की। और दूसरी बात कि खाली JLPT से कुछ नहीं होता, JLPT तो सिर्फ वीज़ा और
बाकी फॉर्मेलिटीज़ के लिए होता है। मेन चीज़ है कि आपको बोलनी आनी चाहिए, स्पोकन लैंग्वेज जो है वो जापान में रहना बहुत तेज़ी से आपको आ जाता है, स्पोकन लेवल मतलब आपको बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, अभी मैं आपको अगले वीडियोज़ में ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपनी लैंग्वेज के लेवल पर ही, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के हिसाब से ही अलग अलग तरह की जॉब्स को ले सकते हैं जो कि आईटी इंजीनियर्स जैसी आपको सैलरी दिलवा सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।